गुड मॉर्निंग दोस्तों पाइथन लेक्चर सीरीज में आज हम लोग ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर यूनरी माइनस ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर बोलियन ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एन ऑपरेटर इज ए सिम्बॉल डैट स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेंट ऑपरेंड और ऑपरेटर दो होता है जिसमें ऑपरेंड मे बी ये कांस्टेंट और वेरिएबल और फंक्शन विच रिटर्न ये वैल्यू एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेटर मे बी एसोसिएटेड विथ वन और टू और थ्री ऑपरेंड यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ए प्लस बी तो यहाँ पे ए ऑपरेंड है एंड बी ऑपरेंड ये दो ऑपरेंट के बीच में ऑपरेटर है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन ऑपरेंड इन दिस एक्सप्रेशन द आइडेंटिफायर ए एंड बी आर ऑपरेंड एंड द सिंबल प्लस माइनस इनटू आर द ऑपरेटर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर का यहां पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एग्जाम्पल इसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर यूनरी माइनस ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर बोलियन ऑपरेटर बीट वाइज ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में डिटेल विथ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है जैसा कि हम लोग बेसिक अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडल डैट इज बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर तो यहां पे इन पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन इटीसी देर आर सेवन अर्थमेटिक ऑपरेटर आर अवेलेबल इन पाइथन सात टाइप का डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर का यहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दिस ऑपरेटर एक्ट ऑन टू ऑपरेंट दे आर कोल्ड बाइनरी ऑपरेटर हम दो वेरिएबल लेते हैं एक एक्स और एक वाई और उसमें वैल्यू एक्स में थर्टीन और वाई में फाइवलाइज किए ताकि यहाँ पे के साथ आपको हम बता पाए प्लस इज एन एडिशन ऑपरेटर डेट इज एड टू वैल्यूज अगर यहां पे एक्स प्लस वाई करें तो इसका आउटपुट आएगा थर्टीन प्लस फाइव डेट इज एटीन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम द अनदर एग्जाम्पल एक्स माइनस वाई आउटपुट थर्टीन माइनस फाइव डेट इज एट मल्टीप्लीकेशन जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन पढ़े हुए हैं सिम्बॉल वो की में नहीं स्ट्रिक होता है उसी का यूज मल्टीप्लीकेशन करने के लिए करते हैं जैसे x इंटू वाई आउटपुट विल बी 65. फाइव डिवाइड और मॉडुलस जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं डिवाइड क्वेश्चन स्टोर करता है और मॉडुलस रिमाइंडर स्टोर करता है यहाँ पे x का वैल्यू 13 है जैसा कि हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पे वेरिएबल में x का वैल्यू 13 एंड y का वैल्यू 5. तो एक्स डिवाइड बाय वाई करेंगे आउटपुट 2.6 आएगा दैट इज कोसियंट एंड मॉडुलस डेट इज रिमाइंडर डेट इज एक्स मॉडुलस वाई करेंगे तो रिमाइंडर आएगा थ्री यहां पे एक अदर uh, ऑपरेटर uh, uh, हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर पाइथन सपोर्ट करता है कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल पावर वैल्यूज डेट इज एक्स एक्सपोनशियल वाई गिव द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ बी दैट इज आउटपुट विल बी थ्री सेवन वन टू नाइन थ्री उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक अदर ऑपरेटर पाइथन सपोर्ट करता हैं डेट इज कॉल्ड फ्लोर ऑपरेटर जो मॉडुलस यहाँ पे है सॉरी डिवाइड है वो दो टाइम्स डिवाइड uh, को हम लोग फ्लोर ऑपरेटर बोलते हैं यहाँ पे कोशियंट रिमाइंडर मैं दे रहा था अगर हम लोग फ्लोर ऑपरेटर का यूज करेंगे तो कोशियंट रिमाइंडर दैट इज ओनली इंटीजर पार्ट देगा फ्रैक्शन uh, पार्ट नहीं देगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फ्लोर इंटीजर डिवीजन दिस इज ऑल्सो कोल्ड फ्लोर डिवीजन परफॉर्म डिवीजन एंड गिव ओनली इंटीजर कोशियंट दैट इज एक्स फ्लोर वाई आउटपुट विल बी टू ये सारे ऑपरेटर का हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं विथ एग्जाम्पल यहां पे x इक्वल टू एक्स इक्वल टू थर्टीन एंड y इक्वल टू फाइव लेते हैं एग्जाम्पल तो क्या होता है तो यहां पे अगर हम लोग बात करें x दैट इज एक अदर वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं s इक्वल टू चाहे c इक्वल टू एक्स प्लस वाई और इसको आउटपुट करेंगे सी को तो आउटपुट मेरा 13 आएगा दूसरी तरीके से यहाँ पे X प्लस वाई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आउटपुट सेम आएगा इसी तरह अगर हम लोग बात करें माइनस की तो C इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वाई तो आउटपुट विल बी आउटपुट विल बी एट अगर हम लोग डायरेक्ट इसको X माइनस वाई भी लिख सकते हैं आउटपुट विल बी सेम अगर हम लोग इन की बात करें तो यहां पे एक्स इंटू वाई एक्स इन टू वाई आउटपुट विल बी सिक्सटी फाइव एंड डायरेक्ट वी कैन राइट हियर एक्स इंटू वाई डेट इज सिक्सटी फाइव ऑल्सो यहां पर हम लोग प्लस माइनस और इन टू के बारे में देखे अब हम लोग दो ऑपरेटर डेट इज कोशियंट एंड डिवाइड देखते हैं यहाँ पे एक हम लोग रिमाइंडर स्टोर करते हैं आर इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स 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 मॉडुलस वाई देन आउटपुट बी आउटपुट बी थ्री आउटपुट विल बी थ्री एंड एंड कोशियंट इक्वल टू एक्स एक्स डिवाइड बाय वाई वाई एंड देन आउटपुट विल बी टू पॉइंट सिक्स 2.6 इसी को अगर हम लोग फ्लोर ऑपरेटर का यूज करें तो यहां पे c इक्वल टू एक्स फ्लोर y देन आउटपुट विल बी आउटपुट विल बी ओनली टू डेट इज डैट इज ओनली इंटीजर पार्ट और दूसरा था एक्सपोरेंशियल ऑपरेटर डेट इज अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखे x एक्सपोरेंशियल y देन आउटपुट विल बी थ्री सेवन वन टू डेट इज द पावर इस तरह से सारे ऑपरेटर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें हमको उम्मीद है आपको पूरी अच्छी तरह से प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉडुलस एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर ऑपरेटर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा